गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास मिताली एक्सप्रेस जैसे टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। मिताली एक्सप्रेस अभी चर्चा में रहा है और हम जान लेते हैं कि यह क्यों चर्चा में रहा है। मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है, एक नई ट्रेन चालू की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच यह सेवा शुरू की गई है। तो प्रश्न सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो जगहों के बीच या देशों के बीच यह मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई है। ठीक है, यह बंगाल के जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या जलपाईगुड़ी को किससे जोड़ेगी? यह बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश से जोड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसका इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है कि यह मिताली एक्सप्रेस जो है वो किन दो देशों के बीच शुरू गई। ये बंगाल के पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश से जोड़ेगी। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन मार्च के महीने में दोनों देशों के पीएम के द्वारा एक साथ किया गया है, यानी बांग्लादेश के शेख हसीना और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस यह कोई पहली ट्रेन नहीं है जो दो देशों के बीच, इन दोनों देशों के बीच चलाई जा रही है, बल्कि इससे पहले भी दो ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, जिसका एक है, पहला है मैत्री एक्सप्रेस जिसको जो पहले से भारत और बांग्लादेश को, यानी ढाका को कोलकाता से ऑलरेडी यह जोड़ती है मैत्री एक्सप्रेस, और दूसरा है बंधन एक्सप्रेस यह खुलना को कोलकाता से जोड़ती है। खुलना बांग्लादेश में है, कोलकाता से जोड़ती है। तो हम क्या देख रहे हैं, यह जो मिताली एक्सप्रेस है यह कोलकाता से न चलके न्यू जलपाईगुड़ी से चल रही है और बांग्लादेश से आ रही है न्यू जलपाईगुड़ी। लेकिन बाकी जो दो ट्रेनें हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, यह दोनों ट्रेनें कहाँ आती है? कोलकाता आती है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी, जैसे ये तीन ट्रेनों का नाम दे दे, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, और ये पूछे कि एक चौथा और ट्रेन का नाम दे दे कोई भी, और पूछे कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश को नहीं जोड़ती है। तो ये तीनों ट्रेन या एक्सप्रेस का नाम आपको याद रखना है, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। यह तीनों जो है भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ती है। इससे क्या है? इससे यह है कि दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध अच्छे बनते हैं, एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के लोगों से मिलना जुलना अच्छे तरीके से होता रहता है, तो दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बनते हैं। और इससे क्या होता है, राजनीतिक के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते, सांस्कृतिक संबंध, ये सारे बेहतर होते जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक देश के अपने विदेश नीति के अंतर्गत यह कोशिश होती है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ अगर हम आज़ादी के 1947 से पहले देखें तो बंगाल का जो कल्चर है और बांग्लादेश का कल्चर है वो सेम ही रहा है। यह 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना बांग्लादेश, जो 1971 में वहाँ के पाकिस्तान से अलग होकर इसने बांग्लादेश बनाया। ठीक है, और यह जो ट्रेन अंतर्देशीय यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया गया है वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, और शेख हसीना जो आज की वर्तमान पीएम है उनके पिता थे, उनकी जन्मशती यानी सवी जयंती पे बंगबंधु मुजीबुर रहमान के सवी जयंती के उपलक्ष्य में
और साथ ही साथ बांग्लादेश के स्वतंत्रता के 50 वर्ष यानी स्वर्ण जयंती होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश स्वतंत्रता बांग्लादेश स्वतंत्रता के ताके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह ट्रेन सेवा शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है कि मिताली एक्सप्रेस, ये प्रश्न पूछा भी गया है किसी छोटे से एग्जाम में, आपको भी इसको याद रखना है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो तीनों ट्रेनों का नाम पूछ लिया जाए, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस या मिताली एक्सप्रेस, या ये पूछा जा सकता है कि नई जो ट्रेन सेवा शुरू की गई है भारत और बांग्लादेश के बीच उसका नाम क्या है, ठीक है, तो मिताली एक्सप्रेस है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा टॉपिक है भारत और कोरिया के बीच मित्रता पार्क स्थापित की गई है। भारत एवं कोरिया के बीच मित्रता पार्क स्थापित किया गया है। यह कहाँ पे किया गया है? यह दिल्ली में यह पार्क स्थापित किया गया है। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली का जो कैंटोनमेंट का इलाका है, जो सैनिक छावनी वाला इलाका है साउथ दिल्ली का, वहाँ पे इस भारत कोरिया पार्क को स्थापित किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसका जो कारण है क्यों स्थापित किया गया है, तो 1950 से लेके 53 के बीच एक कोरिया युद्ध हुआ था, कोरिया युद्ध हुआ था, या विश्व के इतिहास में भी इसको पढ़ा जा रहा है कोरिया युद्ध को। इसी कोरिया युद्ध में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान के स्मृति में इस भारत कोरिया मित्रता पार्क को स्थापित किया गया है। भारतीय शांति सैनिकों के योगदान के कारण इस मित्रता पार्क को स्थापित किया गया है। उन्हीं के स्मृति में इस मित्रता पार्क को कहाँ? दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाका में स्थापित किया गया। कब हुआ था कोरिया वार? 1950 से लेकर 1953 के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसे विश्व इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो ट्रेडिशनल पार्ट है, या तो वो पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, आपको वो सारी चीज़ें भी साथ में याद रखनी है। या तो कई बार करंट अफेयर्स में पूछ देता है, या उससे जुड़ा हुआ कोई हिस्ट्री का या पॉलिटी का पार्ट उसके पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस पार्क में जो मित्रता पार्क स्थापित की गई है, उसमें एक जनरल के, जो सैनिक जनरल है, बहुत ही प्रतिष्ठित सैनिक जनरल है, जिसका नाम है के एस थिमैया, उनकी विशाल प्रतिमा का को स्थापित किया गया है, लगाया गया है, जिन्होंने कोरिया में भारत के अध्यक्षता में या अध्यक्षता वाले तटस्थ राष्ट्र के रूप में एक चेयरमैन के रूप में भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व किया था और शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। यानी जो भारतीय सैनिक दलों की जो शांति सेना थी, उसका नेतृत्व यही के एस थिमैया ने किया था, इसीलिए इनकी एक विशाल प्रतिभा वहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम देखें भारत की पॉलिसी को, तो एक्ट भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, मतलब अपने पूर्वी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की जो पॉलिसी रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है भारत की, और दूसरा दक्षिण कोरिया की जो पॉलिसी रही, न्यू साउदर्न पॉलिसी, ये साउथ कोरिया की रही है पॉलिसी रही है, और ये भारत की, इंडिया की पॉलिसी रही है। इन दोनों पॉलिसी के तहत ये
एक प्रयास किया गया है दोनों देशों के बीच, भारत और साउथ कोरिया के बीच, कि अपने संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाया जाए। इसीलिए ऐतिहासिक घटनाओं या तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने संबंध को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस तरह का मित्रता पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि जो मित्रता पार्क भारत में स्थापित की गई है दिल्ली में कैंटोनमेंट एरिया में, वो कौन से दो देशों के बीच की गई है, तो भारत और कोरिया या साउथ कोरिया के बीच की गई है। ठीक है, दूसरा इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि कोरिया वार कब हुआ था, तो यह 1950 से 53 के बीच हुआ था। ठीक है, और तीसरा चीज केएस थीमैया के बारे में पूछा जा सकता है कि किसकी विशाल प्रतिमा वहां लगाई गई है, तो ये केएस थीमैया की लगाई गई। ठीक है, जिन्होंने भारतीय शांति सेना के सैन्य दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये इस पे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको टॉपिक वाइज ऐसे ही टॉपिक को कवर करना है, ऐसे ही देखना है कि क्या क्या किस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं। अगर आप इस तरह से होमवर्क कर लेते हैं, इस तरह से अपने टॉपिक को तैयार करते हैं इस आइडिया के साथ, तो आपके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम में इस तरह से आए हुए प्रश्नों को टैकल करना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है भारत नहीं बल्कि चीन से सबसे एक रिपोर्ट आई है, मिलिट्री डायरेक्ट एक संबंधित वेबसाइट है, मिलिट्री डायरेक्ट जिसका नाम है, उसने विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं की एक लिस्ट जारी की है, एक रैंकिंग जारी की है। उसका नाम क्या है, पहले जो वेबसाइट है उसका नाम देख लेते हैं, मिलिट्री एक मिलिट्री डायरेक्ट डायरेक्ट करके एक संबंधित वेबसाइट है, उसी पे रक्षा मामलों से संबंधित विश्व के सबसे ताकतवर सेनाओं की एक लिस्ट आई। उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो चाइना को दिया गया है, यानी चीन की सेना को सबसे ताकतवर सेना का दर्जा इस वेबसाइट ने दिया है। हम ये भी देखेंगे कि किन किन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट को तैयार किया गया है, किन किन एलिमेंट्स को, तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये सैन्य शक्ति जो सूचकांक तैयार किया गया है, सैन्य शक्ति सूचकांक, या किन 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 पैरामीटर को ध्यान में रख के इस किन किन विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रख के इस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से देश किस किस नंबर पे। पहले नंबर पे चीन की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना गया है, और दूसरे नंबर पे यूएसए की सेना को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को सबसे शक्तिशाली माना गया है, और तीसरे नंबर पे रसिया या रूस की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिया गया, और इसी में भारत की सेना को, इंडिया की सेना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यानी विश्व में सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में इंडिया की सेना चौथे नंबर पे है। ठीक है, और पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे चीन है। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो सीधे पूछा जा सकता है कि मिलिट्री डायरेक्ट नामक संबंधित वेबसाइट पे जो विश्व के शक्तिशाली सेनाओं की जो सूची तैयार की गई है, उसमें भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा किस देश को दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कि जो पैरामीटर तैयार किया गया है कि मिलिट्री डायरेक्ट के माध्यम से जो लिस्ट इंडेक्स बनाया गया है, मिलिट्री शक्ति इंडेक्स, उसमें कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखा गया। सबसे पहला पैरामीटर का जो पॉइंट ध्यान में रखा गया वो रखा गया है बजट, यानी कौन सा देश अपनी सेना पे कितना बजट खर्च करता है, कितना पैसा खर्च करता है, ये इस पे ध्यान दिया गया है। दूसरा, सक्रिय और निष्क्रिय या अक्रिय सैनिकों की जो संख्या है, यानी सक्रिय और निष्क्रिय सैनिकों की जो संख्या है उसको ध्यान में रखा गया है, कि जितना ज़्यादा बजट, जितना ज़्यादा संख्या, उस हिसाब से फिर
कुल वायु, समुद्री, जमीनी, परमाणु जो संसाधन है उसका ध्यान रखा गया है कि जो परमाणु संसाधन है, जो जमीन के लिए, वायु के लिए, समुद्र के लिए जो परमाणु हथियार है उसका ध्यान रखा गया कि किसके पास कितना है, कितना दक्ष है, कितना कुशल है, इसका ध्यान रखा गया। और चौथा जो चीज़ रखा गया है वो है औसत वेतन। औसत वेतन किस सैन्य देश का कितना औसत वेतन है इसका ध्यान रखा गया। और पांचवा ध्यान रखा गया सैन्य उपकरणों का, सैन्य उपकरणों का ध्यान, पांचवा सैन्य उपकरणों का ध्यान रखा गया। मतलब क्या है कि जो सैन्य शक्ति सूचकांक बना है उसके पैरामीटर जो तय किए गए हैं वो सबसे ज़्यादा ये तय किए गए कि कौन सा देश कितना बजट है उसके सैन्य खर्च का, दूसरा सैनिकों की संख्या, सक्रिय और निष्क्रिय सैनिकों की संख्या कितनी है इसका ध्यान रखा गया है, तीसरा परमाणु संसाधन जो वायु, समुद्र और जमीन से जुड़ा हुआ जो परमाणु संसाधन है उसको ध्यान में रखा गया है, चौथा औसत वेतन जो सैनिकों का, सैन्य अधिकारियों का जो औसत वेतन है उसका ध्यान रखा गया, और पांचवा सैन्य उपकरणों का ध्यान रखा गया। तो इस तरीके से जो ये सूचकांक तैयार किया गया है इसके द्वारा मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा, उस सूचकांक में इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए चाइना को शक्तिशाली मिलिट्री पावर घोषित किया गया है, फिर अमेरिका को, फिर रसिया को, फिर भारत को, और फिर पांचवें नंबर पे है फ्रांस। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, 5, 1 to 5 तक आपको ध्यान रखना है। इस पे प्रश्न सीधे सीधे यही बन सकते हैं। एक तो ये संबंधित वेबसाइट का हवाला देते हुए सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसके जवाब ऐसे ही लिखने हैं। सीधे पूछ सकता है कि कौन सबसे शक्तिशाली है, भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो आपको इसको याद रखना। अब जो अगला टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन, प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन। यह सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह शिखर सम्मेलन, ये क्वाड से जुड़ा हुआ चीज, फिर हम शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यह जो क्वाड है यह बेसिकली जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। किसके किसके बीच? भारत, जापान, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, क्या कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक रणनीतिक, अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, रणनीतिक मंच है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो यह है, इसका ये क्वाड का सबसे पहला जो विचार आया था वो जापान के उस समय के तत्कालीन जो पीएम थे, जापान के जो पीएम थे जिनका नाम था शिंजो आबे, शिंजो आबे, इन्हीं का यह दिमाग का उपज था क्वाड। ठीक है, इन्हीं का विचार था, 2007 में आया था शिंजो आबे ने, जो जापान के, उन्होंने एक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का अनौपचारिक रणनीतिक मंच इस क्वाड के रूप में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंद और प्रशांत महासागर, इसका उद्देश्य था कि हिंद प्रशांत महासागर हिंद प्रशांत महासागर को मुक्त और समावेशी बनाना, को मुक्त एवं समावेशी बनाना। यानी देखिए, हिंद और प्रशांत महासागर का जो इलाका है, खास तौर से जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, कोरिया है, इसके क्षेत्र और इंडिया से
होते हुए अरब सागर का जो क्षेत्र, इसको मुक्त और समावेशी बनाने से उद्देश्य ये है कि स्वतंत्र व्यापार, व्यापारिक आवागमन, इस तरह की चीज़ों को फ्री बनाना, ताकि निर्भीक होकर सब देश स्वतंत्र पूर्वक अपना व्यापार कर सके। क्यों? ये अगर देखें तो एक तरह से चीन के जो समुद्री शक्ति बनने और आवश्यकता से अधिक अधिकार जताने की जो प्रवृत्ति है, उसके विरोध में इस क्वेड को बनाया गया था। क्योंकि साउथ चाइना पार्ट जो देखिएगा, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ चाइना की अपनी एक दबंगई है, समझिए, तो वो उस क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी के प्रतिक्रिया में इस तरह के एक क्वेड का निर्माण किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया, ठीक है। और यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे की, ठीक है। यह अब आ जाते हैं इससे जुड़े हुए जो वर्तमान घटना है उसमें। यह 12 मार्च को 2021 को 12 मार्च 2021 को प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन, प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप तो जान ही रहे हैं कोविड का टाइम है, ठीक है, तो एहतियात बरतते हुए, सुरक्षा बरतते हुए यह सम्मेलन जो है वर्चुअल हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जो चारों देश हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिस, स्कॉट मॉरिस, अमेरिका के जो बिडेन आप जानते ही हैं, अभी इसी साल यह निर्वाचित हुए हैं। इस पे हमने करंट अफेयर्स की क्लास में इस पे चर्चा भी की थी, अमेरिका के चुनाव पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जापान के राष्ट्रपति योशी हिदे सुगा, और भारत के पीएम आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन चारों लोगों ने इस सम्मेलन के आयोजन में पार्टिसिपेट किया, इसमें भागीदारी दी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन और उभरती प्रौद्योगिकी को या टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को क्वाड ने अपने एजेंडे में कवर किया है, ठीक है। यानी जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा, जो कि वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि पूरा विश्व की जलवायु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब भारत की आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप की जलवायु भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर की जलवायु भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी पूरे देश, दुनिया का जितना भी देश है, वो पूरा ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे से जलवायु से कनेक्टेड है। तो जलवायु चूँकि वैश्विक मुद्दा है, तो ये इसको शामिल किया गया है। फिर वैक्सीन, कोविड जैसी बीमारी जो एक देश से पैदा होती है और पूरे दुनिया में छा गई, पूरे दुनिया में लॉकडाउन आ गया, पूरे दुनिया में लोग बीमार पड़े, मरे, करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए, तो वैसे जैसे टॉपिक को भी, वैसे मुद्दों को भी क्वेड में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी उभर रही है पूरे विश्व स्तर पर, चाहे वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हो या मेडिकल से जुड़ी हुई हो या किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है, वो सबको क्वेड के एजेंडे में शामिल करने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है, ठीक है। यह एक प्रभावी मंच बनके पिछले कई सालों में ये उभरा है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक को ध्यान रखना है, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह यह है कि हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो शिखर सम्मेलन है, यह बेसिकली 30 मार्च 2021 को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह नौवा
हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन है, ठीक है। और इसका पूरा नाम जो है, यह जो शिखर सम्मेलन किया गया है वो अफगानिस्तान के ऊपर किया गया, पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान की सुरक्षा शांति और विकास को लेकर यह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और यह कौन सा सम्मेलन? नौवां सम्मेलन है। इसका पूरा जो नाम है वो यह है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, या हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस करके इसका पूरा नाम है। जो इतना नहीं, इस पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन किस देश से जुड़ा हुआ, किस देश के विकास से जुड़ा हुआ या शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सम्मेलन है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। और यह जो सम्मेलन का आयोजन किया गया वो हम जान लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन हमने क्या देखा, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में की गई है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, यह दुशांबे में की गई है। तो हमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन का कौवा सम्मेलन, नौवा सम्मेलन ताजिकिस्तान, ठीक है, की राजधानी दुशांबे में की गई है, ठीक है। इस सम्मेलन का जो मुख्य थीम था वो क्या था, इस सम्मेलन का मुख्य जो थीम था वो था शांति और विकास हेतु सामंजस्य का सशक्तिकरण, यानी स्ट्रेंथनिंग कॉन्सेंसस फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। क्या था? शांति और विकास हेतु सामंजस्य का सशक्तिकरण थीम था, शांति एवं विकास हेतु, ठीक है, पीस और शांति और विकास हेतु सामंजस्य का सशक्तिकरण। ये हमें ध्यान रखना है, यही इसका थीम था, किसका, यही थीम था हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन का। हमको ये कहाँ पे हुआ, ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में हुआ। इसका उद्घाटन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की थी, इमोमाली रहमान ने, जो कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो हमें ये चीज़ें जो पॉइंट इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो शिखर सम्मेलन हुआ, हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन, वो किस देश में हुआ, किसने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत के तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो भारत के विदेश मंत्री थे। अब भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये आप लोग को याद रखना है, एस जयशंकर, जो है भारत के प्रतिनिधि थे, भारत के विदेश मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे। और अफगानिस्तान के संदर्भ में उन्होंने जो बात रखी वो रखी दोहरी शांति की, सॉरी दोहरी शांति की बात रखी। दोहरी शांति से क्या मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर भी शांति होनी चाहिए और अफगानिस्तान के बाहर भी शांति होनी चाहिए। जैसे कि अफगानिस्तान के बाहर जो तालिबान का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, जहाँ से उसको हमेशा अटैक होते रहते हैं, तो इस तरह के शांति की भी ज़रूरत है। उन्होंने ये माना, हमारे विदेश मंत्री ने, कि अफगानिस्तान को दोहरी शांति की ज़रूरत है, एक इसकी आंतरिक शांति की और एक बाहरी तत्वों से भी शांति की ज़रूरत है, तभी अफगानिस्तान का विकास, अफगानिस्तान की सुरक्षा और शांति तभी स्थापित हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है वो भी हम ध्यान रख लेते हैं, ताकि जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है वो अफगानिस्तान और तुर्की के मध्य एक तरह का पहल है। ये क्या है, अफगानिस्तान और तुर्की के बीच एक तरह का ये पहल है, कौन, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ठीक है। और यह जो पहल है जिसे 2 नवंबर
को शुरू किया गया था, को शुरू किया गया था। यानी यह जो नौवा हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इसको 2011 में पहली बार इसको शुरू किया गया था। और ये दो देशों के बीच का पहल है। ये दो देश कौन है? एक तो अफगानिस्तान खुद है और दूसरा है इस्तांबुल यानी तुर्की। ठीक है, इस्तांबुल उसकी राजधानी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो इसको पूरी तरह से अपने इसका पूरा रिवीजन करते रहिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है, वैसे ही आपको की वर्ड की पॉइंट नोट करके रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो इप्सा है। ठीक है, इप्सा महिला फोरम की बैठक, फोरम की बैठक हुई है। इप्सा महिला फोरम की बैठक हुई है कब? 16 मार्च या मार्च 2021 में। ठीक है, और इस बैठक का जो नेतृत्व किया है वो भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया। इसीलिए कौन? महिला एवं बाल विकास विकास मंत्रालय ने किया। और बाल विकास मंत्रालय का के द्वारा इस बैठक का नेतृत्व किया गया है। यह बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यह छठी कौन है? छठवा महिला फोरम बैठक है, ये आपको याद रखना। और इसका नेतृत्व किसने किया? भारत सरकार के तरफ से महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें इप्सा के देशों, इप्सा के कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये तीन देशों का महिला फोरम का बैठक हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें इप्सा देशों के महिला मामलों से संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी निभाई है। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता की गई की है इस बैठक की, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या मंत्री स्मृति ईरानी या स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी या स्मृति जुबिन ईरानी ने इसका नेतृत्व किया है, इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, इप्सा जो है ये हम अभी आपसे बताएं कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का एक नियामक संघ है, रेगुलेटरी संघ है, नियामक संघ है। कौन सा? इप्सा। ये हमें ध्यान रखना है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि इप्सा की स्थापना कब की गई थी। तो इप्सा की स्थापना कहाँ की, कब की गई? 2003 में की गई थी। और यह कहाँ पे की गई थी? ब्राज़ील, ब्राज़ील में की गई थी। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी इप्सा की। तो हमें यह याद रखना है कि इप्सा का छठा महिला फोरम की बैठक भारत सरकार के मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री के द्वारा यह इसके नेतृत्व किया गया, और इसकी अध्यक्षता स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। इप्सा क्या है? एक नियामक संघ है। ठीक है, किसका? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का, जिसकी स्थापना जून 2003 में की गई थी। कहाँ पे? ब्राज़ीलिया में, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और ये कौन सा फोरम था? छठवा फोरम था। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक पे जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने देख लिया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है इसको हम देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है चीन और रूस के मध्य एक समझौता हुआ है, उसका नाम है लूनर बेस सहयोग समझौता। लूनर बेस सहयोग समझौता,
लूनर बेस सहयोग समझौता हुआ है, और इस समझौता किसके बीच में हुआ है? चीन एवं रूस के बीच में। यह पूछा, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि लूनर बेस सहयोग समझौता किसके बीच, किन दो देशों के बीच में हुआ? तो यह चीन और रूस के बीच में हुआ, ये याद रखना। इस समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की एक समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने को लेकर एक समझौता हुआ है, एक हस्ताक्षर हुआ है, यानी दोनों देशों के बीच एक लूनर बेस सहयोग समझौता हुआ है। लूनर बेस स्थापित करने को लेके एक लूनर बेस स्टेशन ILRS, इसको ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने को लेके एक समझौता हुआ है। इसी समझौते को ध्यान रखना है, ठीक है? और यह दो देशों के बीच में हुआ है, चीन और रूस के बीच में हुआ है, जो कि मार्च के महीने में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। यह स्टेशन जो है, इसका जो मुख्य उपयोग होगा, सॉरी, इस स्टेशन का जो मुख्य उपयोग होगा वह बहुत सारे अनुसंधान और प्रयोगात्मक जो, या प्रयोग प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ जो फैसिलिटी है वो इस परिषद में, इसके कैंपस में ये प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या? रिसर्च और प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ बहुत सारे फैसिलिटी जो है इसके कैंपस में फैसिलिटेट किया जाएगा, एक सुविधा दी जाएगी जो चंद्रमा की सतह पर या इसकी कक्षा में बनाया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिसर को बहुउद्देशीय या बहुविषयक अनुसंधान कार्य के लिए भी यूज किया जाएगा, मतलब इस पे कई तरह के रिसर्च होंगे, कई तरह के प्रयोग होगा, ठीक है? बहुत तरह के, बहुत सारे उद्देश्य, मल्टीपर्पज उद्देश्यों के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा, बहुत सारे विषयों को जोड़ के इस पर रिसर्च किए जाएंगे। इसीलिए यह लूनर बेस सहयोग समझौता किया गया है चीन और रूसिया के बीच। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चंद्रमा अनुसंधान स्टेशन या चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ हम पिछले GS के क्लास में आपको बताए भी थे कि नासा ने, जो कि US की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा, नासा ने भी एक, इससे पहले बताए थे, इसीलिए केवल याद दिला रहे हैं आपको, जैसे याद दिलाएंगे आपको याद आ जाएगा, नहीं तो पिछले वीडियो में डिटेल में इसको पढ़ाए थे। नासा के द्वारा 2024 में, तब 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला भेजने की एक योजना है। 2024 में पहली महिला भेजने की एक योजना है नासा के द्वारा 2024 में। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना को जो नाम दिया गया है वो अर्टेमिस दिया गया है। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? अर्टेमिस दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये अर्टेमिस योजना है क्या, और किस देश के द्वारा यह योजना बनाई गई है? यूएस के द्वारा बनाई गई है। यूएस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा यह आर्टेमिस योजना बनाई गई। और ये किस प्लैनेट या किससे जुड़ा हुआ है? तो ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, कि चंद्रमा पर पहली जो महिला भेजी जाएगी उसकी योजना बनाई जा रही है, ठीक है? तो ये आपको इसी के साथ याद रखना है। लूनर बेस सहयोग समझौता के संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसको भी कवर कर लिया कि इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसको खैर मैंने पढ़ाया है, लेकिन जानबूझ के मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया, ताकि एक तो आपका रिवीजन भी हो जाए, दूसरा चीज़ अगर आपको नहीं याद हो तो कम से कम इतना तो पता चले कि आपने पढ़ने के बावजूद भी आपको याद नहीं है, ठीक है? अब जो अगला टॉपिक है वो, उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है, स्पेन ने इच्छा मृत्यु से संबंधित कानून पास किया। किसने? इच्छा मृत्यु, या इसको यूथेनेशिया भी कहते हैं, ठीक है? यूथेनेशिया भी कहते हैं, इसको यूथेनेशिया
कहते हैं। यह किसने पास किया है? स्पेन ने। यह यूरोप का एक देश है स्पेन। इसने इच्छा मृत्यु से संबंधित कानून पास किया मार्च 2021 में, मार्च 2021 में स्पेन की संसद ने इच्छा मृत्यु या सहायित आत्महत्या, जिसको असिस्टेड सुसाइड भी कहा जाता है, को वैधानिक प्रदान करने से जुड़ा हुआ कानून पास किया। अब हम ये जान लेते हैं कि ये यूथनेसिया या असिस्टेड सुसाइड है क्या। इस कानून के तहत कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, यानी कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे मरीज का कंडीशन दिन पर दिन बद से बदतर ही होता जा रहा है, और मेडिकल साइंस के तरफ से यह लगभग घोषित हो चुका है कि ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं, इनकी स्थिति और खराब ही होती जाएगी और धीरे धीरे इनका कष्ट बढ़ते ही जाएगा। तो इस तरह के असाध्य बीमारियों से गंभीर रूप से या गंभीर रूप से कई बार आदमी इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है, मतलब कई बार ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छा है मर जाना टाइप। तो उस तरह की स्थिति में इस तरह के कानून को पारित किया गया है कि उस तरह की स्थिति में इच्छा मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड को वैधानिक बना दिया जाए, कि जो व्यक्ति है, जो स्पेन का नागरिक है या वहाँ का निवासी है, वो अपने होशो हवास में इच्छा मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड या सहायित आत्महत्या का विकल्प चुन सकता है। ठीक है, तो स्पेन में अभी इस कानून को पास किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि यूरोप के कौन से देश ने हाल ही में इच्छा मृत्यु संबंधी कानून को पास किया है? तो यह स्पेन है। ये ऐसा नहीं है कि यूरोप का एक यही एक देश है जिसने इथेनेसिया या इच्छा मृत्यु जैसे कानून को पास किया, बल्कि इससे पहले भी यूरोप के अन्य देश भी हैं, जैसे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड भी है, इन तीनों ने भी इच्छा मृत्यु से संबंधित कानून पहले से ही पास किया हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि चार देशों का लिस्ट दे दे, पूछ दे कि कौन कौन से देश इच्छा मृत्यु के कानून को, यूरोप का कौन से दो देश हैं जो कानून को पास किए हों। तो ये चारों देशों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या ऐसे भी बन सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन से देश, जो यूरोप का देश है, जिसने इच्छा मृत्यु से संबंधित कानून को पास किया है। ठीक है, तो इससे जान ही गए, एक तो आप जान गए कि यूथनेसिया क्या है। कई बार असाध्य या गंभीर बीमारी ऐसी हो जाती है कि आदमी की हालत बद से बदतर होती जाती है, मेडिकल साइंस में उसके लेके कोई इलाज नहीं होता है, डॉक्टरों की यही रिपोर्ट रहती है कि हालत और दिन पर दिन खराब ही होती जाएगी। तो उस कंडीशन में जो नागरिक है या निवासी है, वो अपने लिए इच्छा मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड को चुन सकता है। इस तरह के कानून बनाए गए ताकि उसकी तकलीफ़ को, उसकी पीड़ा को कम किया जा सके। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि उसके जिंदा रहना उसके तकलीफ़ का कारण है, इस तरह का सेंटेंस सुनते हैं, कि क्योंकि कई बार तकलीफ़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तो उसका कोई सलूशन नहीं होता है, कोई मेडिकल साइंस में कोई भी सलूशन नहीं होता, और इससे क्या होता है, इससे बेहतर ये माना जाता है कि वो मर ही जाए। तो इस तरह के लिए एक कानून पास किया गया है जो स्पेन में किया गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है कि न्यूजीलैंड में गर्भपात को, या स्टील बर्थ जिसको मृत प्रसव कहा जाता है, संबंधी कानून पास किया गया। कहाँ? गर्भपात या स्टील बर्थ, मृत प्रसव जैसा कानून कहाँ पे पास किया गया है? न्यूजीलैंड में पास किया गया, इसीलिए यह चर्चा में। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इच्छा मृत्यु और इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और गलती हो जाती है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। ठीक है, मार्च के महीने में, मार्च 2021 में यह कानून को पास किया गया है। इस कानून के तहत जो संसद है, जो न्यूजीलैंड की संसद है, उसने गर्भपात या स्टील बर्थ या मृत प्रसव, यानी बच्चा पेट में ही जिसकी मृत्यु हो जाए, इस तरह के कंडीशन में संबंधित कानून को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इस कानून के अनुसार अगर गर्भपात के दौरान
गर्भावस्था के दौरान, सॉरी, गर्भपात या स्टील बर्थ या मृत प्रसव होता है, तो इस उस कर्मचारी को या उसके पार्टनर को 3 दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी। 3 दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी, सहित छुट्टी या लीव दी जाएगी। यही इस कानून में किया गया है। सभी जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, ठीक है, के लिए इस तरह का कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड जो है विश्व का पहला देश बन गया, ठीक है। और हालांकि यहाँ इसकी महिलाओं या वही उसी ने उन्हीं महिलाओं पे ये कानून लागू होगा जिस कंपनी में 10 या 10 से अधिक महिलाएं काम कर रही होंगी या जॉब कर रही होंगी, उसी तरह के कंपनी में यह कानून को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इस नए कानून के तहत भुगतान संबंधी अवकाश प्रावधान माताओं को, उनके जीवन साथी को, उन माता पिता को भी पर भी लागू होगा जो कि सेरोगेसी और गोद लेने के माध्यम से बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे थे, यानी इसमें सेरोगेसी भी से जुड़े हुए जो माता पिता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो न्यूजीलैंड में जो कानून पास किया गया है उसमें सेरोगेसी शामिल है या नहीं है, इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं। और वो कंपनियों पे ही ये लागू होगा जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते होंगे, वही उस तरह के कंपनी पे ही लागू होगा और उनको 3 दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। तो यह न्यूजीलैंड में लागू हुआ है। अगला जो टॉपिक है वह है ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड, ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड। यह ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड जो है यह बेसिकली क्या है? या बेसिकली जैसे ज्वालामुखी यो के विस्फोट के कारण जो पीड़ित लोग होते हैं उनको तत्कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इससे जो ज्वालामुखी आपदा विस्फोट के कारण जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्कालीन वित्तीय सहायता, तत्कालीन वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प उपलब्ध कराना इस ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड का उद्देश्य है। मार्च 2021 में डेनमार्क, ये याद रखना है, ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड किस देश के रेड क्रॉस संस्था ने, ठीक है, इसको क्या किया, जारी किया। तो पहला ये याद रखना कि किस देश के ने किया, कौन से संस्था ने किया है। तो रेड क्रॉस एक वैश्विक संस्था है, ठीक है। यह रेड क्रॉस जो डेनमार्क की जो रेड क्रॉस है उसने नई या ये कहे कि कई वित्तीय फर्मों के साथ मिलकर ज्वालामुखी से संबंधित आपदाओं के लिए ज्वालामुखी आपदा या वोल्कानो कैटास्ट्रोफे बॉन्ड जारी किया है, ठीक है। यानी ज्वालामुखी आपदा कोष जारी किया है किसने, डेनमार्क की रेड क्रॉस संस्था, ठीक है। यह कई संस्थाओं के साथ मिलकर इसको जारी किया, क्या, किसको, वोल्केनो कैटास्ट्रोफे बॉन्ड को, यानी ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड को जारी किया, ठीक है। इस बॉन्ड के अंतर्गत 7 देश कौन कौन, कैमरून, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया और मैक्सिको, ये 10 ज्वालामुखियों को शामिल किया गया है। ये अगर जो देश का नाम मैंने बताया, कैमरून हो, कोलंबिया हो, चिली हो, इक्वाडोर हो, ग्वाटेमाला हो, इंडोनेशिया हो, मैक्सिको हो, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट मैक्सिमम होते हैं पूरे दुनिया में। यहाँ मतलब जागृत ज्वालामुखी मतलब वो ज्वालामुखी जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, उस तरह के
ज्वालामुखी इन देशों में सबसे ज़्यादा हैं, तो इन देशों को शामिल किया गया, इन देशों के 10 ज्वालामुखियों को शामिल किया है गया है जहाँ जागृत ज्वालामुखी मिलते हैं और इनके बार बार विस्फोट होते रहते हैं। इस विस्फोट से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ का जनजीवन, वहाँ की संपत्ति, जान माल का बड़े स्तर पर नुकसान होता है। इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क की रेड क्रॉस संस्था जो है वो $3 मिलियन के इस बॉन्ड का उद्देश्य $3 मिलियन के इस बॉन्ड को जारी किया। कितना? $3 मिलियन के इस बॉन्ड को जारी किया। कौन? डेनमार्क की रेड क्रॉस संस्था। ये दो बातें जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम ज्वालामुखी वाला देश है, कैमरून, कोलंबिया, चिली, मैं बार बार इस देश का नाम याद रख रहा हूँ, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यहाँ के 10 प्रमुख ज्वालामुखी जहाँ जो जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, जहाँ बार बार विस्फोट होते रहते हैं और जानमाल की हानि होती रहती है, उसी को इस बॉन्ड में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर हमने देख लिया कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत और मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ है जिसका नाम है CECPA। CECPA ये एक समझौता हुआ है किसके किसके बीच? इंडिया और मॉरिशस के बीच। दो देशों के बीच एक समझौता हुआ है CECPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एक्ट, इसका पूरा नाम है CECPA। समझौता हुआ किसके बीच में? मॉरिशस और इंडिया के बीच में, ठीक है। और यह जो समझौता हुआ है कहाँ पे हुआ है? मॉरिशस की राजधानी में हुआ है, पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, इसी जगह पे यह समझौता हुआ है भारत और उसके बीच फरवरी 2021 के महीने में, ठीक है। यह भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला समझौता, पहला अफ्रीकी देश है ये मॉरिशस, पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस जिसके साथ भारत ने CECPA समझौता किया है। इस समझौते के तहत क्या है? इस समझौते के तहत 310 भारत के 310 वस्तुओं का निर्यात जो है वो मॉरिशस को किया जाएगा। 310 भारतीय वस्तु का निर्यात, एक्सपोर्ट या निर्यात, और मॉरिशस के 615 वस्तु, 615 मॉरिशस वस्तु का निर्यात भारत को किया जाएगा और 310 भारतीय वस्तु का निर्यात मॉरिशस को किया जाएगा। ये लिस्ट क्यों बनाई गई है? यह लिस्ट इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम जान लेते हैं कि CECPA जो समझौता होता है यह बेसिकली कुछ सीमित वस्तुओं का उसके कम शुल्क पे, आयात शुल्क के साथ या मिनिमम आयात शुल्क के साथ एक दूसरे देश को भेजा जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मॉरिशस से कोई वस्तु आ रही है, ये 615 वस्तुओं का जो लिस्ट है इन पे मिनिमम चुंगी या शुल्क लगेगा, आयात शुल्क लगेगा, जिससे क्या होगा, इन वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे और यहाँ के बाज़ार में इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो, उसी तरह अगर 310 वस्तु भारतीय वस्तु हैं जिस पे कम मॉरिशस कम चुंगी लगाएगा या मॉरिशस कम आयात शुल्क लगाएगा जिससे इन वस्तुओं के दाम या मूल्य कम रहेंगे और वो वहाँ के बाज़ारों में कम मूल्य पे बिकेंगे, तो बिकने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के जो फैसिलिटी दी जाती है कम चुंगी या कम शुल्क के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात, यह CECPA समझौता के तहत ही होता है ताकि, और यह क्या है, आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के व्यापारिक संबंधों को में को बढ़ावा देने के लिए यह CECPA समझौता किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या है, आर्थिक संबंध बेहतर होते हैं जिससे राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। यह सब जो समझौता है दो देशों के बीच, यह 1 अप्रैल 2000
1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, यानी अब लागू हो चुका है। तो यह अभी इस पे प्रश्न जो बन सकता है वो यह बन सकता है कि CECPA जो समझौता है वो किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने किया है, या वो कौन सा पहला अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत के द्वारा CECPA समझौता किया गया है। ठीक है, हम ये भी जान लिए कि CECPA समझौता के तहत क्या क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे काम करता है, कैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है जिसके कारण वहाँ और भी संबंध बेहतर होते चले जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उस पर हम ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है बंधुत्व दिवस, मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है 4 फरवरी 2021 को मनाया गया है। 4 फरवरी 2021 को मनाया गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है वो 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा, UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 4 फरवरी को, ये याद रखिएगा, 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया और यह पहला था। ठीक है, इस दिवस के सह संयोजक जो थे वो दो देश थे, एक था UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, UAE, और दूसरा था मिस्र, या दो देश जो थे इसके संयुक्त संयोजक थे, आयोजक थे या प्रायोजक थे, कौन से दो देश। तो इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो क्या क्या बन सकता है, पहला कि प्रथम मानव बंधुत्व दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया गया, तो वो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया। इसके जो सह संयोजक प्रायोजक थे वो दो देश थे, UAE और मिस्र, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। और किस डेट को मनाया गया, 4 फरवरी 2021 को मनाया गया, और इसका थीम क्या था, पाथवे टू द फ्यूचर, पाथवे टू द फ्यूचर, ये इसका थीम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह पाथवे टू द फ्यूचर क्या थीम था, पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया, इसके जो संयुक्त प्रायोजक थे वो दो थे, UAE और मिस्र। ठीक है, इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं यही 3-4 पॉइंट पे पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको याद रखना है, भूलना किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है, तो इससे जो जुड़ा हुआ फैक्ट था वो हमने देख लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है सिनात्रा डॉक्ट्रिन, आइए हम इसको देख लेते हैं। सिनात्रा डॉक्ट्रिन ये क्या है, ये हम जान लेते हैं। सिनात्रा डॉक्ट्रिन जो है यह मध्य और पूर्वी यूरोप के जो सदस्य देश हैं, कौन, मध्य व पूर्वी यूरोप के जो सदस्य देश हैं, यह देशों ने, इन देशों ने, जो मध्य और पूर्वी यूरोप के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने चीन द्वारा जो अपनाई गई नीति है, कौन सी नीति, डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल, किसकी नीति है,
चाइना की, या जो मध्य और पूर्वी यूरोप के देश हैं उन्होंने चाइना के द्वारा जो अपनाई गई नीति है डिवाइड एंड रूल, यानी विभाजन करो शासन करो की नीति के खिलाफ यह जो नीति लाई है वह है सिनात्रा डॉक्ट्रिन। यह सिनात्रा डॉक्ट्रिन किसके द्वारा लाया गया है? पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों के द्वारा। किसके प्रतिकार के रूप में लाया गया है? चीन की अपनाई गई नीति विभाजन करो शासन करो की नीति के खिलाफ इसको लाया गया है, ठीक है, सिनात्रा डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के दो स्तंभ हैं, यानी दो मुख्य कारक हैं। एक है कि कोविड 19 के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण या क्षेत्रीय संघर्षों या चुनौतियों का समाधान के में अगर चाइना का सहयोग मिलता है तो अच्छी बात है, हम उसका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा जो यूरोपीय देश हैं वो अपने रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने को लेके खुद ही करेंगे। मतलब क्या है, इसमें चाइना का सपोर्ट वो नहीं लेंगे। अगर कोविड 19 जलवायु परिवर्तन या क्षेत्रीय संघर्ष या चुनौतियों का समाधान के लिए चाइना का सपोर्ट करता है तो वो इस पे सपोर्ट लेंगे, ये पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ क्या है कि जो अर्थव्यवस्था के तकनीकी क्षेत्रों की रक्षा के लिए करने के लिए जो यूरोपीय संघ की रणनीतिक संप्रभुता है उसको मजबूत करने का पे काम करेंगे। मतलब क्या है, जो अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए तकनीकी क्षेत्र हैं उस पे वो यूरोपीय संघ के साथ है, उसमें यूरोपीय संघ के साथ है, यानी अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए तकनीकी जो पक्ष है उसको मजबूत करने के लिए सुधारने के लिए वो यूरोपीय संघ के साथ है। और कोविड 19 जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय संघर्ष जैसे चुनौतियों का सामना करने में अगर चीन सहयोग करता है तो उसका सहयोग ले सकते हैं। यह दो स्तंभ उन्होंने निर्धारित किया, यानी उनके जो अर्थव्यवस्था को लेकर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसके विरोध में मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने सिनात्रा डॉक्ट्रिन को अपनाया है। तो यह इसका मुख्य बिंदु है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिनात्रा डॉक्ट्रिन जो है किस क्षेत्र के देशों का डॉक्ट्रिन है? तो यह यूरोप के मध्य और पूर्वी देशों का डॉक्ट्रिन है। या ये पूछा जा सकता है कि सिनात्रा डॉक्ट्रिन जो है किस देश के पॉलिसी के खिलाफ या नीति के खिलाफ लाया गया है? तो यह चाइना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या उससे कोई चीज़ समझ नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए तो उस पर भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं, हम अगली क्लास में उस टॉपिक को शामिल कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।